Question है from the following particulars, calculate amount of subscription to be credited to income and expenditure account for the year ended 31st March of the current year. तो हम ये current year में कितने subscription income दिखाएंगे, income and expenditure account के credit side में, वही यहाँ पे calculation करना है. तो हम subscription account बना लेंगे, simple ledger, debit credit side. With particulars and amount both the sides. Amount column में either amount लिखो नहीं तो रूपी फोराडियन का सिंबल लिखो. First line में इन्होंने बताया subscription in arrear for the last year. तो two balance brought down, 500 रुपए. Subscription received in advance on 31st March of last year. That is by balance brought down. पिछले साल लोगों ने करेंट ईयर के लिए 1100 रुपए एडवांस दिए थे. टोटल एडवांस रिसीव्ड रुपीज 1100 इन लास्ट ईयर फॉर दिस ईयर. तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग ओपनिंग एडवांस से क्रेडिट साइड में आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. देन सी पार्ट ऑफ द एडजस्टमेंट हमने ए करा, देन बी करा, नाउ सी. टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st मार्च ऑफ द करेंट ईयर 35,400. करेंट ईयर के लिए 35,400 रुपए करेंट ईयर में मिला है, के लिए नहीं. इससे हम देखेंगे क्या कुछ है. इंक्लूडिंग 400 फॉर द लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग. लास्ट ईयर जो आउटस्टैंडिंग आपको टू बैलेंस ब्रॉट डाउन में दिख रहा है 500 रुपए, उससे 400 रुपए 35,400 के अंदर मिल गया था. तो बाय बैलेंस कैरेट डाउन, उसमें करेंट ईयर के लिए लास्ट ईयर के लिए 500 रुपए से 400 मिल गया था. तो आउटस्टैंडिंग फॉर लास्ट ईयर रह गया 100 रुपए. जो 500 रुपए बैलेंस ब्रेक डाउन था लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग, उससे 400 मिल गया, तो 100 आउटस्टैंडिंग रह गया. और डी पार्ट में बोल रहा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द करेंट ईयर 400, आउटस्टैंडिंग इसी साल के लिए 400 करेंट ईयर के लिए. तो टोटल आउटस्टैंडिंग हो गया 500. करेंट ईयर का एंड में टोटल 500 रुपए नहीं मिला, उससे 400 रुपए इसी साल का इनकम है जो नहीं मिला, और जो 500 रुपए ओपनिंग आउटस्टैंडिंग था उससे 400 मिल चुका है. तो इसका मतलब 100 रुपए लास्ट ईयर के लिए नहीं मिला, तो टोटल आउटस्टैंडिंग 500, जिससे करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 400 है, लास्ट ईयर का 100. सी पार्ट का एडजस्टमेंट में दे रखा है 1200 फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च ऑफ द कमिंग ईयर एंड 300 फॉर द फोर्थ कमिंग ईयर, नेक्स्ट टू कमिंग ईयर. मतलब आने वाले साल के लिए 1200 रुपए एडवांस मिला है और 300 रुपए उससे आगे वाले साल में. तो ये कमिंग ईयर्स के लिए एडवांस हो गया, टू बैलेंस कैरेट डाउन. आने वाले साल के लिए एडवांस 1200 और उसके आगे वाले साल के लिए, आने वाले साल का आगे वाले साल. तो दैट इज एडवांस फॉर द सेकेंड कमिंग ईयर 300. आप इसमें ईयर लिख देना, कमिंग ईयर मतलब ईयर लिख देना, और सेकंड कमिंग ईयर का ईयर लिख देना 1200 और 300, और टोटल एडवांस मिल गया है 1500. अभी क्रेडिट साइड टोटल करो, डेबिट साइड में 37,000 लिखो, उससे 2000 माइनस करो, ये हो गया इनकम टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंसिंग फिगर 35,000 हमारा करेंट ईयर का इनकम है सब्सक्रिप्शन का. और इसके नीचे लिखो स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च. तो ये होगा पर्टिकुलर्स, डिटेल्स अमाउंट. डिटेल्स अमाउंट दोनों में रुपी फोराडियन का सिंबल देंगे और इसके नीचे हम लिखेंगे अमाउंट रिसीव्ड 35,400 तो दे रखा है, इतना मिला है हमें. दिस मनी वी रिसीव्ड एक्चुअली ड्यूरिंग द ईयर. उससे इनकम कितना होगा ना, आड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग. जो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है 500 रुपए, पिछले साल का 100 है, इस साल का 400, हम 500 आड कर देंगे, और लास्ट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग 500 उसको माइनस कर देंगे, लेस आउटस्टैंडिंग फॉर लास्ट ईयर 500. तो अल्टरनेटिवली हमारा नलीफाई हो गया, और जो लास्ट ईयर का एडवांस था 1100 रुपए कमिंग ईयर के लिए, उसको ऐड कर देंगे, क्योंकि इसी साल आते ही वो 1100 रुपए इनकम बन जाता है.
और जो आने वाले साल के लिए 1200 रुपये और उसके आगे वाले साल के लिए 300 रुपये 1500 रुपये मिला है उसको माइनस कर देंगे। लेस क्लोजिंग एडवांस फॉर कमिंग ईयर्स 1200 300 1500। तो फाइनल अमाउंट अमाउंट कॉलम में आएगा 35,000। ये 35,000 है, दिस इज ये 35,000 जो हमें मिला है अमाउंट, ये है हमारे करेंट ईयर का सब्सक्रिप्शन इनकम एंड दिस इज द फाइनल आंसर।